इस लातारी में सत्संग जी जो हमें सुखद क्षण सत्संग जी मिल रहे हैं, सत्संग जी इस पलों की सत्संग जी जो भी मूल्य सत्संग जी हम कहें चुकाया जा नहीं सकता। सत्संग जी ये ज्ञान जो हमें मिला है अलौकिक ज्ञान है, ये सत्संग जी ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है। सत्संग जी हम इसको तैयार करके देखें, कसौटी पे कस कर देखें, सत्संग जी वही ज्ञान है जो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया था। ये वही ज्ञान है सत्संग जो माता सबरी को मिला था। ये वही ज्ञान है जो मेरा भाई को मिला था। सत्संग जी कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। सत्संग जी जो हमें ज्ञान मिला है अलौकिक दिव्य ज्ञान, सत्संग जी सदगुरु ने जो सत्संग जी हमें नवाजा है, ये सत्संग जी कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। सत्संग जी आज देखें जिस ओर जाएं, जिस तरफ नजर जा रही है सत्संग जी कारवां नजर आ रहा है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा चलाया गया सत्संग जी ये ज्ञान आज देखिए। सत्संग जी कहाँ देश के कोने कोने में, सत्संग जी दास ने कभी कल्पना नहीं की थी। दास शायद सेकंड बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है। उस समय सत्संग जी बहुत पहले लगभग 5-6 साल पहले आया था। तो सत्संग जी दास ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा सत्संग जी भवन और सत्संग इतने ज़्यादा महापुरुष। सत्संग जी सदगुरु द्वारा दी गई सत्संग जी कड़ी है, ये ज्ञान है जो हम महापुरुषों का प्यार सत्संग जी जहाँ जाए वो वहाँ मिल रहा है सत्संग जी। दूसरी बात सत्संग जी ये आती है कि ये सत्संग जी ज्ञान तो हमें मिल गया है, सत्संग जी संभालना आ जाए, सजोना आ जाए। सत्संग जी दास कहना चाहेगा कि शेरनी का दूध सत्संग जी मिलना बड़ा कठिन है। शेरनी का अगर दूध ढूंढा जाए तो मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। सत्संग जी और मिल भी जाए तो उसको रखना बहुत कठिन है, क्योंकि सत्संग जी वो सोने के पात्र में ही रह पाता है। सत्संग जी दैट्स लाइक वैसी हमें जो ज्ञान मिला है सेम उसी तरह सत्संग जी हमें मिल तो गया है, सत्संग जी उसको रखने की सत्संग जी कला आ जाए। सत्संग जी महात्मा लोग बताते हैं कि ज्ञान हमने पाया या जाना। सत्संग जी जान तो सभी जाते हैं, पाया किसने? सत्संग जी गौर फरमाइएगा कि पाया सिर्फ मेरा भाई ने, कबीरदास जी ने। सत्संग जी वही ज्ञान पाके वो झूम गए सत्संग जी। हम दास अपने लिए कहना चाहेगा कि भौतिक सत्संग जी जो भी चीज़ें दी, सुख सुविधाएँ दी गई हैं, हम इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं इस सत्संग जो वस्तुतः जो प्राथमिकता वाली चीज़ को सत्संग जी हम निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सत्संग जी दास से किसी ने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ ये क्या पता है आपको, क्या आप मुझे छू सकते हो? दास ने स्वाभाविक जिज्ञासा बस कहा हाँ छू तो नहीं सकता हूँ आपको। तो सत्संग जी ने कहा शरीर को छू सकते हो, जहाँ भाव अभी आ रहे थे समझने वाली बात है, आप मुझे नहीं छू सकते। यानी मैं कौन बोल रहा हूँ, मैं हूँ कौन? वास्तविकता में ये जानना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। सत्संग जी ये सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप की पहचान कर लेना। आए हो इस जहां में, क्या नाम है तुम्हारा, लौटोगे जहां से तो क्या मुकाम होगा तुम्हारा, ये पता होना चाहिए सत्संग जी, गंतव्य पता होना चाहिए। भौतिक चीज तो सत्संग जी दातार ने उपभोग के लिए दी है। सत्संग जी एक छोटा सा दृष्टान्त देता सुनाना चाहेगा, ध्यान दीजिएगा। सत्संग जी एक मालिक होता है, उसका सत्संग जी प्रिय नौकर होता है, वो सत्संग जी जान से बढ़कर दोनों दूसरे को मानते हैं। तो सत्संग जी एक बार मालिक को तीव्र इच्छा होती है गाजर खाने की, वो कहता है भाई रामू तुम गाजर जाके बाजार से ले आओ, मुझे खाने की इच्छा हुई है। तो सत्संग जी वो रामू उठता है, मालिक का आदेश तो मानना ही था, वो सत्संग जी थैला लेता है, पैसे लेता है, बाजार की ओर चल देता है। सत्संग जी बाजार जाते समय उसको ध्यान आता है कि यार अगर मैं गाजर लूंगा, अगर गाजर खा के कहीं मालिक की तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए क्या करूँगा, फिर मैं दवाई ले लेता हूँ। तो सत्संग जी वो मेडिकल स्टोर में जाके दवाई ले लेता है, फिर कुछ दूर आगे जाता है, फिर उसको ध्यान आता है कि अगर दवाई खा के भी मालिक ठीक ना हुए तो फिर मुझे दूर आना पड़ेगा। तो सत्संग जी वो फिर कहता है कि मैं क्यों नहीं थोड़ी और दवाई इंजेक्शन ले
संगे जी वो इंजेक्शन भी ले लेता है, कुछ दूर जाता है, हालांकि वो प्यार बहुत होता है, प्यार अंधा भी होता है। तो सत्संग जी वो सोचता है मालिक इन दोनों चीजों से भी ठीक ना हुए तो मैं डॉक्टर को ले लेता हूँ। तो सत्संग जी वो डॉक्टर को भी साथ ले लेता है और फिर थोड़ी दूरी पे जाता है तो उसको ध्यान आता है अगर इन सारी चीजों से भी मालिक मेरा नहीं बचा और दम तोड़ दिया उसने तो क्या करूंगा मैं। तो सत्संग जी वो कफन के कपड़े भी ले लेता है। सत्संग जी सारी प्रक्रिया करते हुए वो सबको लेके चलता है, जब वापस जाता है तो मालिक देखता है भाई ये दूर से एक डॉक्टर भी आ रहा है, कोई आदमी है, इसके हाथ में कपड़े भी हैं। तो पूछता है भाई रामू ये क्या लेके आए, ये पन्नी में क्या है? उन्होंने कहा मालिक ये दवाई है, मैंने सोचा कि आप गाजर खा लोगे तबीयत खराब हो जाएगी तो ये दवाई आपको दे दूंगा आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा अच्छा और ये दूसरी पॉलिथीन में क्या है? उन्होंने कहा था इसमें तो सीरीज है सुई है, कहीं आप इससे भी ना ठीक हुए तो सीरीज से ठीक हो जाओगे। उसने कहा अच्छा भाई बड़ा ख्याल लगता है तो मेरा, अच्छा ये वाहन भाव कौन है? तो कहता है डॉक्टर साहब है, कहीं इनसे भी नहीं ठीक हुए तो आप इनसे सुई लगवा लेंगे इनसे तो आप ठीक ही हो जाओगे। अच्छा ये दूसरी थैली में क्या है? उसने कहा ये कफन का कपड़ा है, मैंने सोचा कि सबसे अगर आप नहीं बचे कहीं मर गए तो आपका क्या होगा इसे कफन ले आया। उसने कहा अच्छा इतना सोचता है तू मेरा, पहले ये तो बता गाजर कहाँ है जो उसको खा के मैं बीमार होगा या मरूंगा? गाजर तो भूल गया मैं। सत्संग जी सोचने वाली बात, मेन चीज भूल गया वो जिसके लिए उसको मालिक ने भेजा था। सत्संग जी हमारी हालत भी तो नहीं, गाजर वाली तो नहीं, रामू नौकर वाली तो नहीं, संसार में आए तो हैं लेकिन ध्यान कहाँ है और वास्तविकता में नहीं है, भौतिक पदार्थों में है। सत्संग जी गाजर का ध्यान रहे, इस निरंकार का ध्यान रहे तभी जाके सत्संग जी बात बनने वाली है। सत्संग जी महात्मा लोग बताते हैं ये श्वास सत्संग जी बहुत अनमोल है। सत्संग जी उससे पूछिए जाके कीमत, जो वेंटिलेटर पे सोया है, जो आखिरी सांसें ले रहा है, कृत्रिम सांसें ले रहा है, जिसको सत्संग जी नेचुरल सांसें नहीं मिल रही है उसको मशीनी वाली सांसें मिल रही, उससे पूछिए आप सांस की कीमत क्या है, वो बताएगा आपको सांस की कीमत। हमें तो दाता ने सत्संग जी सब कुछ दिया है, हर एक सांस आ रही है, हर एक सांस जा रही है, हाथ पैर सब सलामत दिए हैं। तो सत्संग जी ये ध्यान रहे किस लिए मिला है। सत्संग जी दास ज्यादा नहीं कहना चाहेगा, दास अपने लिए कहना चाहेगा। सत्संग जी जो भी सत्संग जी भूल आए वो सत्संग जी कर्मों में ढल पाए तभी सत्संग जी जीवन का श्रृंगार बन सकता है। सत्संग जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी जीवन बनाना चाहती है वैसा जीवन बन पाए। सत्संग जी हर एक महापुरुष सत्संग जी इस मिशन का एक प्रचारक के रूप में बन के सत्संग जी इस मिशन को आगे ऊंचाई तो लेता चला जाए। प्यार से कहना निरंकार जी तो आओ सत्संग जी देखा कि इस दातारी सत्संग जी जो हमें सुखद क्षण सत्संग जी मिल रहे हैं।